हे एवरीवन, दिस इज कार्तिक असवाल। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यार तुम लोग से कानपुर यूनिवर्सिटी, जो छत्रपति साहू जी के नाम से कॉलेज हो गया है कानपुर यूनिवर्सिटी, इसके बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। प्लेसमेंट से लेके एडमिशन तक एक्स वाई जेड एक भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ेंगे यार। तो गाइस, कैसा लग रहा हूँ आज? थोड़ा डीजल का देख रहे हो, टी शर्ट पहन के आया, डीजल महंगा हो रहा है। ठीक है, तो डीजल महंगा हो रहा है, अपन को क्या करना है उससे? क्यों, अपन तो बाइक कार से जाएगा कॉलेज ना। चलो यार, देखते हैं डीजल के टी शर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि ऐसे ही मस्ती मस्ती में नया नया अच्छा अच्छा कॉलेज और रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा, जो कम रैंक पर आपको कॉलेज मिल सकता है। अच्छे अच्छे कॉलेज भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। मैं अब तक कितने कॉलेज भी लेके आ चुका हूँ, एटलीस्ट 25 वीडियोज मैं ला चुका हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू। तो आप जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे यार मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा तो तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। मैं और अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यू आपके लिए क्या कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ यार। कैंपस क्या तगड़ा कैंपस है यार, अभी देखे तो फोटो तुम लोग, कैंपस क्या है तगड़ा कैंपस था। ठीक है, तो यार देख लेते हैं कि 1966 में जो आगरा यूनिवर्सिटी थी, एक आगरा यूनिवर्सिटी स्प्लिट्स हो गया था, मतलब दो भागों में बट गया था। तो उसका एक कानपुर यूनिवर्सिटी एक का नाम हो गया था। उसको बाद में जो मायावती चीफ मिनिस्टर थी यहाँ की, मायावती जी जान ही रहोगे आप लोग बीएसपी की तो मायावती जो है महिला जी, वो क्या हुआ है चीफ मिनिस्टर, उनका नाम चेंज करके क्या कर दिए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम रख दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कानपुर यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ना है तो कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानना है यार। ठीक है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी यार कानपुर रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर है और 28 किलोमीटर कानपुर एयरपोर्ट से है। ठीक है, 264 किलोमीटर का, 264 एकर्स का क्या है इसका कैंपस साइज है यार, तगड़ा कैंपस साइज है यार। एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं, 1966 एस्टेब्लिशमेंट, 264 एकर साइज, नंबर 170 कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेज, तगड़ा है भाई कॉलेज तो तगड़ा लग रहा है। टोटल फैकल्टी मेंबर्स 124, अप्रूव्ड बाय UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कानपुर यूनिवर्सिटी यार 1966 में हुआ था, सब कुछ बात कर चुके हैं यार। 22nd पोजीशन, यहाँ बात कर लेते हैं रैंकिंग कॉलेज की बात करेंगे, लेकिन 22nd 22वां पोजीशन यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को मिला है 2019 में, और यहाँ पे 1202 वर्ल्ड रैंक इस कॉलेज को मिला हुआ है यार। रैंकिंग बात करते हैं कॉलेज की, अभी बात किया हूँ जो 22वां रैंक मिला हुआ है इसको, और वर्ल्ड रैंक 1202 मिला हुआ है यार। इंडिया टुडे इसको 90 रैंक पे मानती है यार, तो मतलब इंडिया में क्या है 90वां रैंक पे क्या है ये यूनिवर्सिटी आती है। कानपुर यूनिवर्सिटी तगड़ा है, कैंपस भी तगड़ा है यार इसका, इसके बारे में सब कुछ बात करें। कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कौन से एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन लेता है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या फीस होता है, कौन कौन से कंपनी विजिट करती है, प्लेसमेंट है कि नहीं तगड़ा, आपके लिए सब बात करते हैं मैं। प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बात करने वाले आपके साथ हाजिर है कार्तिक असवाल। सो स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द एडमिशन प्रोसेस। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट फैसिलिटी, व्हाट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय दिस यूनिवर्सिटी। फैसिलिटी यार बात करेंगे, एसी है, एबी लैब, कैंटीन, वाईफाई, एटीएम, वाईफाई है भाई फ्री में, चैटिंग वेटिंग हो सकता है। ठीक है, एटीएम, कंप्यूटर लैब, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट, एसी कैंपस, फला, मतलब बहुत सारे यहाँ पे क्या है फैसिलिटीज़ है भाई। फैसिलिटीज़ में जिम है सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि कई बच्चे थोड़ा बॉडी वॉडी शौकीन शौकीन होते हैं कि भाई कॉलेज लाइफ में थोड़ा बॉडी वॉडी बनाएंगे क्यों, तो जिम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, कोर्सेज की बात कर लेते हैं, तो बीटेक है, बीटेक सब बात करेंगे, कौन कौन से ब्रांचेज हैं पहले देख लेते हैं। बीटेक है, MBBS है, BFA, वी वोकल ओकेशनल स्टडीज है, BA है, BCOM है, बहुत सारे ब्रांचेज है। जब यूनिवर्सिटी है जान रहे हो तुम लोग, 200-300 से ऊपर यहाँ पे क्या है ब्रांचेज कोर्सेज अवेलेबल हैं यार, तो सबका नाम तो लेना इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम लोग क्या कर सकते हो, इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते लेकिन मैं सबका नाम नहीं लूँगा क्यों नहीं लूँगा यार, तुम लोग देख सकते हो यार, अब सबका नाम मैं थोड़े लूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलेज भी मैं क्विक कॉलेज भी लेके आता हूँ, मतलब तुम लोग को किसी भी कॉलेज के बारे में जानना हो यार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे कमेंट होता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ यार। ठीक है, क्योंकि मेरा एम ही है बच्चों का हेल्प करना यार। सब्सक्राइब क्यों करूँगा चैनल को, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे कॉलेज भी लेके आता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। MBA जिस कॉलेज में, जिसको इस कॉलेज में MBA करना है उसको क्या करना चाहिए, ग्रेजुएट हो पास होना चाहिए यार। तो कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, MBA पार्ट टाइम ग्रेजुएट, उसके पास डिग्री होनी चाहिए यार। ठीक है, आगे देख लेते हैं यार कि जो BA करना है 12th पास होना चाहिए, मतलब इसमें परसेंटेज नहीं मांग रहा है यार, परसेंटेज किसी किसी से मांग रहा है, जैसे BSc बायोटेक्नोलॉजी है 50% मार्क्स मांग रहा है, कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में PCM में होना चाहिए, PCB में होना चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे क्या मांगता है तुम लोग का ब्रांचेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है यार। सारी जानकारी कहाँ से ली गई, एक बार बात कर लेते हैं, सारी जानकारी कहाँ से ली गई है बोलो, गूगल से कुछ ली गई है, कुछ हमारे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं उससे बाद जानकारी ली गई है। तो बीटेक में जो ब्रांचेज अवेलेबल है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तो मुझे जानते हो कि मैं भी केमिकल इंजीनियरिंग करता हूँ। ठीक है, लेकिन इस कॉलेज से नहीं हूँ, जानते ही हो तुम लोग, चंडीगढ़ से कर रहा हूँ।
तो बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 50% मार्क्स मांगता है पीसीएम में। हमारे साथ ज़्यादा बच्चे बीटेक के हैं, तो बीटेक ध्यान से चलो 50% मार्क्स मांगता है यार पीसीएम में तुम लोग का, ठीक है। बी फार्मा हो गया, बीसीए, बीबीए, इन सब के लिए साली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम 12th में तुम्हारा 45 से 50% के बीच में उससे एबव लाइक करना चाहिए, तभी आपका इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है यार। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और जानते हो 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, देख सकते हो सारे ब्रांचेज यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, तो मैं अपना कुछ बताते रहता हूँ तुम लोगों को कि 1966 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इतना बड़ा इसका एलुमनाई सिस्टम है भाई, सोच सकते हो यार कितना तगड़ा एलुमनाई सिस्टम है। 54 साल पुराना कॉलेज है, 54 years old दिस कॉलेज। तो भाई कॉलेज इतना पुराना होता है, नया सिस्टम उतना तगड़ा होता है, प्लेसमेंट उतना तगड़ा होता है। तो बी फार्मा देख सकते हो, बीपीटी, एलएलबी आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, एलबीटी। जॉब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी विजिट करती है भैया, क्योंकि भाई ये प्लेसमेंट होगा नहीं तो मैं कॉलेज में जाकर क्या करूँगा भाई कॉलेज में जाकर क्या करूँगा, प्लेसमेंट होगा ही नहीं तो, क्योंकि यार माता पिता का सपना होता है भाई कि कॉलेज उस कॉलेज लो कि तुम लोग 4 साल बाद अपने पैर पर खड़ा हो सको, क्यों भाई। तो उसके लिए प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं यार, जो हमारे दोस्त प्लेसमेंट के लिए कर रहे थे, हाईएस्ट प्लेसमेंट 16 लाख का दिखा रहा है इसमें, 16 लाख पर एनम और एवरेज 5 लाख पर एनम है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है भाई। मैनेजमेंट कोर्सेज में 60% प्लेसमेंट हुआ था बच्चों का, एमबीए डिपार्टमेंट। हाईएस्ट सैलरी क्या था, 6 लाख के आसपास था, लोवेस्ट था 3 लाख के आसपास था सैलरी। SBI इंश्योरेंस, एटीगो, लेन ग्लोबल, पॉलिसी बाजार, इजी नौकरी, सैमसंग, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे विजिट किया, लाइसेंस, मतलब मुकेश अंबानी जी भी यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंपनी यहाँ पे विजिट किए हैं यार, ठीक है। तो देख रहे हो कि प्लेसमेंट जो हो रहा है, प्लेसमेंट भी तगड़ा है, कैंपस तगड़ा है, 264 एकड़ का कैंपस का साइज है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, घूम टहल सकते हो, कोई बात नहीं है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो यार, तो एक आता है यार CSJM एडमिशन 2020, ठीक है। इसके लिए तुम लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसके देख लेना क्या क्या आपके लिए रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन बाकी सारा तो मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। जो UG कोर्सेज हैं उनके लिए क्या होता है, CSJM एडमिशन 2020 एक आ रहा है, उस पर फॉर्म क्या करना, अप्लाई कर देना है तुम लोग। मेरिट बेसिस पे एग्जाम होता है, CSJM एक कंपटीशन होता है यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है, तो मेरिट बेसिस पे होता है, जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं कैंडिडेट उस एग्जामिनेशन में उसके बेसिस पे आपको क्या होता है, कोर्सेज मिलता है। PG कोर्स की बात करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, UG में जितना मार्क्स पाया तो उसके हिसाब से तुमको प्रोवाइड किया जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज एडमिशन फीस की बात करेंगे तो CSJM फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है कोर्स बाय कोर्स। बीटेक के लिए बात करेंगे, हमारे बीटेक के दोस्त पूछ रहे थे भैया कितना है कानपुर यूनिवर्सिटी में, भाई तो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देख रहा है यार तो लोग कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कितना ज़्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आई थिंक 6 लाख तो चला जाता है, थापड़ की बात करोगे थापड़ में 10 लाख से ऊपर जाता है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करने क्या फ़ायदा है, तुमको इससे करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज है, आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज है दिस इज, तो 2.5 लाख रुपये आपका 4 साल का फीस लगता है यहाँ का। MCA करना है 2 साल का 1 लाख रुपये फीस लगता है। CSJM इंटेंस एग्जाम होता है, वहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो कि जाके वहाँ पे कर सकते हो। नेशनल लेवल टेस्ट होता है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए एग्जामिनेशन होता है CSJM यूनिवर्सिटी। तो CSJM एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लेना, उसके बारे में सारा कुछ देख लेना कब तक लास्ट डेट है, उसके बारे में तुम लोग अप्लीकेशन वहाँ ट्राई कर सकते हो यार। अप्लीकेशन प्रोसेस, अब CSJM अप्लीकेशन फॉर्म होता है, मैं बता रहा हूँ जैसे बार बार तुम लोग बता रहा हूँ, ऑनलाइन अप्लीकेशन पे जाके उसको टैप कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लीकेशन होता है वहाँ पे 600 रुपये लगता है जनरल OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए 400 रुपये लगता है तुम लोग का इंटरनेशनल रुपीज INR और SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं भाई कितना लगता है, तो अभी बात किया हूँ जैसे बीटेक वालों 2.5 लाख तो 3 लाख के आसपास 4 साल का फीस लग जाएगा, BBA 75,000, जिसका जो कोर्स हो यार देख लेना, सारा कोर्सेज मैंने डाटा इकट्ठा करके रखा है आपके लिए, सारा कोर्सेज का डाटा इकट्ठा करके रखा है यार, ये दिख नहीं रहा नीचे वाले डिप्लोमा वाले बोलेंगे भैया हमारे साथ अन्याय कर दिया आप, तो देख लो यार डिप्लोमा वाले तुम लोग भी 15,000 के आसपास आप लोग का फीस है यार, थोड़ा सा मैं भी अपना फोटो बीच में कर लूँ। हाँ तो देख सकते हो यहाँ पे MBA BEd और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है यार। अब हॉस्टल के मैं बीच में पहुँच गया, हॉस्टल यार हॉस्टल लाइफ तो तगड़ा होता है यार, कभी भी भूलना मत, मतलब हॉस्टल आपको मिले तो हॉस्टल जरूर लेना, क्योंकि हॉस्टल में ये होता है मतलब पढ़ाई आप सोचोगे डिस्टर्ब होता है, लेकिन लाइब्रेरी या रात को मतलब पढ़ना और लाइब्रेरी जाना ये सब तगड़ा होता है यार, हॉस्टल में रहने का फ़ायदा होता है यार। देख सकते हो यार हॉस्टल में कैपेसिटी है कितना, 1114 सीट्स हैं हॉस्टल में, तो मतलब हॉस्टल में क्या होता है मेरिट बेसिस पे मिलता है, या तो वेटिंग डाल देंगे आपको, अगर नहीं मिलता है तो। शिवाजी और स्वर्ण जयंती दो हॉस्टल है भाई यहाँ पे, 400 कैपेसिटी है, 200-600 मतलब बच्चों का सीट है लड़कों का, उसके बाद जो बचेगा काउंट कर लो कितना बचेगा, 1114 है, 600 माइनस करो 514 रुपये, 514 सीट्स आपका क्या हो जाएगा,
इतने गर्ल्स के लिए 4 हॉस्टल अवेलेबल है यार। तो टोटल क्या है, 6 हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। इतने आरओ, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसकीपिंग सर्विस, लॉन्ड्री फैसिलिटीज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, टीवी, न्यूज़पेपर, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर इन हॉस्टल। हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं, 18,000 एनुअल लगता है, तो सरकारी का इतना लगता है 18-20,000 के आसपास। फॉर्म फीस ₹50 लगता है, सिक्योरिटी मनी सिक्योरिटी मनी अब मेस चार्ज वहाँ पे जाने पे ही पता चलता है। स्कॉलरशिप बात कर लेते हैं भाई, हमारे गरीब बच्चों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट को क्या आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो? तो कानपुर यूनिवर्सिटी BA BSc स्कॉलरशिप एक होता है, उसमें क्या होता है कि 2 लाख के अंदर जिसका एनुअल इनकम होता है जिसका पेरेंट्स का, उसका क्या होता है उसको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। 3,000, 6,000, 40,000 पर मंथ या पर ईयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है स्कॉलरशिप, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। बीकॉम बीएड भी स्कॉलरशिप होता है, बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल है यहाँ पे, देख सकते हो बीकॉम बीएड वालों। लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरी तगड़ा है भाई, लाइब्रेरी में यार नेशनल एक लाइब्रेरी है, समझ सकते हो यार, गवर्नमेंट लाइब्रेरी तगड़ा होगा भाई, जो 264 एकड़ का आपका कैंपस आ जाए, 270 से ऊपर आपका अफिलिएटेड कॉलेजेज हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल लाइब्रेरी कितना है, 1,19,665 यार, तो 1,19,665 होगा क्या है नंबर ऑफ बुक्स हैं लाइब्रेरी में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं यार, देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है यार, वो जो CSJM जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग का देखते हैं यार, OBC 30-31,000 रैंक, ऐसे रैंक यहाँ पे अवेलेबल होता है यार, देख सकते हो सारा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है सबके लिए। कंटेंट इन्फॉर्मेशन देख लो यार थोड़ा सा, CSJMU@kanpuryuniversity.organization ऐसे यहाँ पे जाकर तो चेक कर सकते हो यार। तो व्हाट्सअप गाइज, आपने देख ही लिया होगा सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। सिनेरियो देखा जाए, ओहो क्या कॉलेज है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। इमेजिन योर लाइफ इन द कैंपस ऑफ ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ दिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये देख रहा हो तगड़ा कॉलेज है भाई, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है इसका, इसी में आप लोग पढ़ोगे। देखो यार किसी कोई सोच रहा होगा भैया इसमें पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे, वहाँ जाने पता चलेगा कि इसमें पढ़ोगे यार, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, ठीक है। तो क्विक ओवरव्यू था भाई, सब्सक्राइब कर दिया ना चैनल को, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को जरूर, दिल ना तोड़ना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना जरूर चैनल को यार, ठीक है। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि क्या भाई क्या कट ऑफ वगैरह थी। 1966 में इसका क्या है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, 264 एकड़ साइज, अफिलेटेड का 274, कानपुर में लोकेशन है इसका, यूजीसी अप्रूव्ड है, यूनियन ग्रांट कमीशन, NSC ग्रेड बी है, बाकी सब देख सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्टेड होता है, मतलब बीटेक के लिए UPTU से भी एडमिशन लिया जाता है इसमें, MBBS के लिए NEET UG, MD आयुर्वेदा MBBS, आयुष एंट्रेंस टेस्ट होता है, BUMS BAMS के लिए, NEET PG फॉर MDMS, NEET SS फॉर DM कार्डियोलॉजी। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप क्या होता है, 2 स्कॉलरशिप मिलते हैं, मेरिट बेस और मीन बेस पे एग्जामिनेशन पे मिलते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जो आपका है, महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर ओवरव्यू तो देख लेते हैं, देख सकते हो यार सारा 59 कोर्सेज प्रोवाइड करता है सब कुछ, देख सकते होटल मैनेजमेंट, बाकी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं यार, ठीक है यार। तो बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। आपके साथ मैं कार्तिक केसवाल हमेशा हर एक कॉलेज रिव्यू के साथ अवेलेबल रहूँगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग देख लेना, हर कोई भी कॉलेज रिव्यू चाहिए एक बार जरूर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।